बिहार के मुंगेर में कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर पूरे देश भर के लोग आक्रोश में हैं। जानकारी के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। बुधवार 28 अक्टूबर को होने हैं प्रथम चरण के चुनाव। इसी बीच दुर्गा पूजा उपरांत प्रतिमा विसर्जन भी होना था। इस पर प्रशासन ने सभी पूजा आयोजकों को मंगलवार संध्या तक प्रतिमा विसर्जन कर देने का निर्देश जारी किया। इसी क्रम में मुंगेर की प्रसिद्ध प्रतिमा बड़ी दुर्गा के काफिले को तेजी से ले जाने हेतु प्रशासन के दबाव पर आयोजकों से कहा सुनी व झड़प हो जाती है। प्रतिमा के आजाद चौक पहुंचते ही विवाद और बढ़ जाता है। एक वीडियो में साफ देखा जा रहा है विसर्जन में शामिल लोगों पर पुलिस का बल प्रयोग। इसी दौरान कई राउंड गोलियां चलने की भी घटना घटी। जिससे अनुराग पोद्दार नामक 22 वर्ष युवक की मौत हो जाती है। तथा अन्य 6 लोग घायल हुए। आरोप लगाया जा रहा है कि गोली पुलिस की ओर से चलाई गई है। इस घटना के बाद से देश भर से लोग बिहार पुलिस की निंदा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों के ओर से भी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। बहरहाल पूरे जिले में तनाव भरा माहौल है। लोग चुनाव रोकने तक की मांग कर रहे हैं। हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि यह घटना कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं। अतः लोगों से हमारी अपील होगी कि ऐसे किसी भी अपवाह पर ध्यान ना दे। सुशील कुमार सिंह बासलेपुर थाना प्रभारी और मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, तो उन लोगों ने दबाव बनाया कि मूर्ति को आगे बढ़ाओ। तो ये लोग अभी आपस में कार्यक्रम कर रहे थे। सेक्रेटरी अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो होते हैं सब कर रहे थे कि ठीक है, हम बात को मानते हैं, एक बार हम बड़ी दुर्गा जी से हम बात कर लेते हैं, क्या बात है, हम उसके बाद हम चलेंगे। तो उसी दरमियान उनको कहीं से देखे कि फ़ोन आया, और फ़ोन शायद पुलिस कप्तान का था। मैडम मैडम करके लोग बोल रहे थे। ये क्या कि उनको आदेश मिला कि शायद दंडनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो फिर उन लोगों ने बिना किसी अग्रिम चेतावनी दिए हुए एक तो हवाई फायरिंग शुरू में किया, पब्लिक लोग भागने लगा, फिर उन लोग पब्लिक में गोली चला, जिसमें से हमारे पास में ही नौजवान खड़ा था, गाड़ी से 15-16-18-20 का लड़का था, वो यहाँ भेजा पर गोली लगा, माथा बाहर हो गया। हम देखे, हमने तो सीन देखे, हम तो हम वहाँ से हट गए सीन जैसा था। तो उसके बाद वो लोग फिर और फायरिंग करते चले गए। लगभग उसमें से हमको लगता है कि 5-6 को तो गोली हमने लगते देखा, जिसमें कि 4 आदमी 5 आदमी तो यहाँ है। लेकिन जिसको जिसको गोली लगा वो लोग चाहते तो कम से कम हॉस्पिटल पहुँचा सकते थे, लेकिन मानवता को तार तार उन लोग किया है, बात किया है कि शायद उन लोगों का आदेश मिला कि छोड़ दो सारे को, हम लोग मानवता के नाते हमने पहचाना, उठा उठा के सबको टाली पर लाद के साइकिल पे मोटरसाइकिल पे कंधा पे, जैसे हुआ जो मरा हुआ है उसको तो भाई हम DGP बिहार, मुख्यमंत्री बिहार और प्रधानमंत्री भारत सरकार तक आपके माध्यम से हम खबर भिजवाना चाहते हैं कि थाना प्रभारी, दोनों थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त करते हुए हालांकि SP लिपि सिंह ने इस घटना पर अलग सफाई दी है। उन्होंने कहा कि विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया था। इस दौरान करीब 20 सुरक्षा बल के जवान घायल हो गए हैं। दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम पे एक अप्रिय घटना हुई, कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई, रोड़ेबाजी में करीब 20 जवान घायल हुए हैं और एक थाना प्रभारी का पूरा सर फटा हुआ है। उसके बाद कुछ भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई,
जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। पूरे शहर में हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग की यही अपील है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं वो इस तरीके की हरकतें ना करें। हमारी नज़र उनके ऊपर बनी हुई है, स्थिति अब कंट्रोल में है और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन आम एवं निहत्ते लोगों पर इस कदर जानलेवा प्रशासनिक कार्रवाई पर 24 घंटा लाइव भी खेद जता रहा है तथा दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग करता है। नमस्कार, आप सभी प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा विजयदशमी की हार्दिक अभिनंदन बधाई। मैं माँ दुर्गा से ही कामना करता हूँ कि जाते जाते इस कोरोना काल महामारी से सभी को छुटकारा दें और सारे भाटपाड़ा प्रदेशवासी खुशहाल रहें।